ले गया भाई। चलिए नोट करिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। लिखिए इन HNO3, इन HNO3 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज +5 विच इज मैक्सिमम, विच इज मैक्सिमम। सो नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सटेंड, सो नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सटेंड देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। Therefore, HNO3, do not behave as reducing agent, do not behave as a reducing agent, reducing agent की तरह काम नहीं करेगा। वाइल HNO3 की बात कर रहे हैं, वाइल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, वाइल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +5 to -3 From +5 to -3. So HNO3 behaves as oxidizing agent only. So HNO3 behaves as oxidizing agent only. चलिए डायग्राम आपने बना लिया हुआ बोर्ड पर से। अब चलिए HNO2 के पास नाइट्रस एसिड, इसमें लिखिए द ऑक्सीडेशन स्टेट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज +3 which is intermediate oxidation state, which is intermediate oxidation state. Increase or decrease, वो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, मे बी इंक्रीज आर डिक्रीज। सो HNO2 बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, वो दोनों की तरह काम कर सकता है। चलिए नोट कर लिया सबने, स्टेटमेंट मैंने बोल दिया। अब ऑक्सी एसिड ये दोनों इसमें ये डिटेल है, ये कल स्टडी करेंगे इसकी डिटेल। अब आज हम अमोनिया की स्टडी करेंगे। हेडिंग लिखी है प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमोनिया NH3। NH3 के बारे में स्टडी करेंगे। NH3 का डायग्राम ऐसा होता है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, 3 नाइट्रोजन इस पर ऐसे अटैच है,
हाइब्रिडाइजेशन अमोनिया का sp3 है, बोन एंगल 107 डिग्री होता है हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन, एंड ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल पिरामिड, ये इसकी ज्योमेट्री, ये इतनी बातें इसमें याद रखें। अब इसकी प्रिपरेशन मेथड जो है हेबर प्रोसेस है, नाम सुन लीजिए, अमोनिया की जो कमर्शियल मेथड है, लार्ज स्केल पर जब हम अमोनिया को प्रिपेयर करते हैं तो वो अमोनिया हेबर प्रोसेस के नाम से फेमस, उसको लिखूंगा, उसकी टर्म कंडीशन लिखेंगे। आगे नाइट्रोजन गैस कितने मोल लेना पड़ती है, 1 मोल, 3 मोल इसमें हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं गैस फेस में, तब आपको 2NH3 का फॉर्मेशन हो जाता है, ये गैस, ठीक है। अब इसकी प्रॉब्लम है, एरो देखकर आपको अंदाज लगा होगा ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब इसमें आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है। इक्विलिब्रियम क्या करता है, दोनों के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर देता है, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब आप प्रोडक्ट को चाहते हैं रिएक्शन में तो, लेकिन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तो रुक चुका है, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लगता है। तो ऐसे केस में अमोनिया हेबर प्रोसेस में स्पेशल कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो पहले ये देखें कि स्पेशल कंडीशन कौन कौन सी, पहली कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का हायर रखेंगे तब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन हमको हायर रखना पड़ेगा, तब अमोनिया एक्सेस अमाउंट में हमको मिलेगी, तब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। दूसरा, इसमें डेल एन जी पता करें, रिएक्शन का डेल एन जी का फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट मोल माइनस रिएक्टेंट मोल, ये फार्मूला है। प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, अमोनिया प्रोडक्ट है तो 2, माइनस इधर रिएक्टेंट कितने, 3+1, और तो डेल एन जी इसका आया नेगेटिव। ऐसी रिएक्शंस जिनमें डेल एन जी नेगेटिव हो उनमें इक्विलिब्रियम हाई प्रेशर पे फॉरवर्ड शिफ्ट होता है, तो इसकी कंडीशन क्या बनी, हाई प्रेशर। अमोनिया हेबर प्रोसेस में आपको हाई प्रेशर रखना पड़ेगा, और हाई प्रेशर कितना रखना पड़ेगा, 200 to 800 ppm, तब ये रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड होगी, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन। तीसरी कंडीशन, ये प्रोसेस कैसा है, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और इसकी डेल एच की वैल्यू क्या है, नेगेटिव 46.1 किलो जूल पर मोल, 1 मोल अमोनिया के फॉर्मेशन में इतनी एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो उनको आपको लो टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, इसका मतलब आपको टेम्परेचर यहाँ कितना रखना पड़ेगा, इतना। इसी रिएक्शन को जब हम इक्विलिब्रियम में मेंटेन करते हैं, या हमें पता चल जाए कि वो इक्विलिब्रियम में शिफ्टिंग कर लेती है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो कभी कभी हम कैटेलिस्ट भी उसमें यूज करते हैं, बट कैटेलिस्ट इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करता और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता, तो इसमें हम कैटेलिस्ट कौन सा यूज करते हैं, आयरन विद मोलिब्डेनम, आयरन यहाँ पर कैटेलिस्ट है, मोलिब्डेनम कैटेलिस्ट प्रमोटर है, ये इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता, तो यहाँ पर कैटेलिस्ट कौन होगा, यहाँ लिखेगा Fe/मोलिब्डेनम, एपी कैटलिस्ट है, मोलिब्डेनम कैटलिस्ट प्रमोटर है, ये अमोनिया की हेबर प्रोसेस। इसका डायग्राम आप अपने बोर्ड बुक से या कहीं से भी अरे डायग्राम बना लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम बोर्ड एग्जाम में आती है, और
ये नीट वगैरह में आ सकता है इसके बारे में, बाकी तो भगवान मालिक है क्या होगा। लिखिए, नोट करिए, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमोनिया, लिखिए इसमें हेबर प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस है ये, हेबर प्रोसेस कमर्शियल मेथड, पूरी बोर्ड पर से लिख लीजिए, कंडीशन मैंने आपको समझा दी, कंडीशन सारी अप्लाई कर रखी है, ठीक है, नोट कर लीजिए। और जब आप नोट कर लें तो स्टूडेंट बहुत कम हो गए, यही क्लास को एंड करेंगे, रिकॉर्डिंग में ब्रेक कर देता।